इसने अपना बलिदान दे दिया उन बच्चों की जान बचाने के लिए। सोचिए अगर ये भारतीय सेना का हिस्सा बनता तो दुश्मन की आंखों में आंखें डाल के उनको चीर देता। आपकी गलती बिल्कुल भी नहीं है, गलती हमारे देश के मीडिया की जो रियल हीरोज को दिन रात सुबह शाम दिखाता रहता है। आज फलानी को बच्चा होने वाला है, आज उसके दूसरा महीना है, आज उसने लाल स्कर्ट पहनी है, आज उसने काली टी शर्ट पहनी है। अगर ऐसे रियल हीरोज को आपके हमारे जैसे जनता के बीच रहने वाले रियल हीरोज को अगर मीडिया दिखाने लगेगा तो इन रियल हीरोज का पत्ता साफ हो जाएगा, जैसा ऑलरेडी भी हो चुका है। पर नालंदा बिहार का रहने वाला ईश्वरवीर बच्चा, इसको ये नहीं पता था कि भारतीय सेना में जाने से पहले ही देश के लिए नछावर हो जाएगा। बड़े बड़ों के हाथ कांप गए थे आग देख के, उस भयंकर ज्वाला को देख के सब लोग पीछे हट गए थे और एक एक करके उन तीनों बच्चों को निकाले। जब तीसरे बच्चे को निकालने गया तब तक अधमरी हालत में हो चुका था, काफी बॉडीज की जल चुकी थी। टीवी में हम क्या देखते हैं, करीना कपूर को दूसरा बच्चा होने वाला है। बिग बॉस में निक्की तंबोली ने कल रात क्या किया, क्या खाया, हमको यहां तक पता होता है कि आने वाले दिनों में कौन से स्टार किड्स फिल्मों में एंट्री लेगा। लेकिन हमको ये पता नहीं होता कि सेना का एक जवान हमारे लिए क्या कर रहा है, वो किस तरह अपने परिवार को छोड़कर सरहद पर डटा हुआ है। उस जवान को ये भी नहीं पता कि जिस पोस्ट पर आज उसकी ड्यूटी लगी है उस पोस्ट से वो जिंदा वापस लौटेगा भी या नहीं। हमारे देश के जवान हमारे लिए रोजाना अपनी जान की बाजी लगाते हैं लेकिन हमको इसके बारे में कुछ पता नहीं होता। लेकिन आज हम आपके सामने एक ऐसे नौजवान की सच्ची कहानी लेकर आए हैं जिसे सुनकर यकीनन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस वीडियो में दर्द है, गुस्सा है और एक उम्मीद है कि हम अपने देश के सैनिकों के बारे में जानें और उनका सम्मान करें। जय हिंद। कैरेट अमित राज का नाम सुना आपने? I'm sure शायद नहीं सुना होगा। और ये आपकी गलती बिल्कुल भी नहीं है, गलती हमारे देश के मीडिया की जो रियल हीरोज को दिन रात सुबह शाम दिखाता रहता है। आज फलानी को बच्चा होने वाला है, आज उसके दूसरा महीना है, आज उसने लाल स्कर्ट पहनी है, आज उसने काली टी शर्ट पहनी है, ये सब फालतू की चीज़ें दिखाने के लिए हमारे देश का मीडिया सबसे आगे रहता है। लेकिन जब देश का कोई जाबाज होनहार बच्चा उस काम को कर दिखाता है जिसको करने में बड़े बड़े कतराते हैं, ऐसे लोगों की रियल हीरो स्टोरीज को कोई नहीं दिखाता। अगर ऐसे रियल हीरोज़ को आपके हमारे जैसे जनता के बीच रहने वाले रियल हीरोज़ को अगर मीडिया दिखाने लगेगा तो इन रियल हीरोज़ का पत्ता साफ हो जाएगा, जैसा ऑलरेडी भी हो चुका है। तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ कैडेट अमित राज की। ये अमित राज कौन है? इस सैनिक स्कूल पुरुलिया वेस्ट बंगाल का पढ़ने वाला एक छात्र था। अभी सैनिक स्कूल में क्या होता है, आप हो सकता है किसी GAV सर्वोदय विद्यालय सेंट्रल स्कूल, किसी प्राइवेट स्कूल, वर्ल्ड स्कूल, इंटरनेशनल स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल, XYZ किसी भी स्कूल में पढ़ते होंगे। ठीक उसी तरीके से देश में कुछ सैनिक स्कूल भी हैं। अब सैनिक स्कूल का जो मेन उद्देश्य होता है सिलेबस इनका CBSE, लेकिन उसके अलावा इनमें क्या खास होता है, ये आपको एक सैनिक बनने के लिए स्पेशल प्रशिक्षण देते हैं। वो SSB क्लियर करने के लिए, वो जिस भी लेवल पे जाना चाहता है उस लेवल को क्लियर करने के लिए आपको शुरू से ही उस डिसिप्लिन वाली लाइफ में ढालते हैं और सिलेबस को धीरे धीरे आपको पढ़ाते हैं ताकि आप उस लेवल पे पहुंच सके। तो इस कैडेट ने 15 वर्ष की उम्र में, 10वीं क्लास का छात्र था, 15 साल मात्र इनकी उम्र थी, कैडेट ने ये ठाना था कि मुझे भारतीय सेना में जाना है और अपने देश के लिए कुछ कर दिखाना है, मातृभूमि की रक्षा के लिए। पर नालंदा बिहार का रहने वाला ईश्वरवीर बच्चा, इसको ये नहीं पता था कि भारतीय सेना में जाने से पहले ही देश के लिए नछावर हो जाएगा। जब मैं कहता हूँ देश के लिए नछावर हो जाएगा तो कैसे, भीड़ से लगट के, डरपोकों की भीड़ से लगट के इसने वो काम किया जिसको अच्छे अच्छे नहीं कर पाते। इसके घर के पास एक घर में आग लग गई जहाँ पे 3 बच्चे आग में फंस गए थे। बड़े बड़ों के हाथ कांप गए थे आग देख के, उस भयंकर ज्वाला को देख के सब लोग पीछे हट गए थे, जो कि स्टेटमेंट सुनने में आ रही है। लेकिन जब इस कैडेट को पता चला कि वहाँ 3 बच्चे फंसे और जल के राख हो जाएंगे, इसने अपनी परवाह नहीं करी, किसी तरीके से चीरता फांता हुआ घुस गया उस जलते हुए घर में और एक एक करके उन तीनों बच्चों को निकाले। जब तीसरे बच्चे को निकालने गया तब तक अधमरी हालत में हो चुका था, काफ़ी बॉडीज की जल चुकी थी, शरीर में कपड़ों में आग लग चुकी थी, पर इसने उन तीनों बच्चों को बचा लिया और लास्ट में दम घुटने से वहीं पर गिर गया, बेहोश होने लगा। तभी तुरंत इसको अस्पताल ले जाया गया जहाँ पर पता चला कि 85% ये बेचारा अभी बच्चा चल चुका है। लेकिन हेड चौफे उस जर्नी को, जिस माँ की कोख से पैदा हुआ, जिसके संस्कारों से, इसमें वो जो ज्वाला भरी
कि मुझे देश के लिए, समाज के लिए, मैं हमेशा कहता हूँ ना, एक मेरा स्लोगन है ना, कंट्री फर्स्ट फैमिली सेकंड, वही इस बच्चे ने किया, नेशन फर्स्ट। इसने अपना बलिदान दे दिया उन बच्चों की जान बचाने के लिए। सोचिए अगर ये भारतीय सेना का हिस्सा बनता तो दुश्मन की आंखों में आंखें डाल के उनको चीर देता, भारत माँ पे आँच नहीं आने देता। ये भी उस आर्म फोर्सेस का या सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस का हिस्सा बनता जो देश की रक्षा करने के लिए सरहदों पे डटी हुई हैं। लेकिन हम सल्यूट करते हैं ऐसे वीर जवान को, ऐसे सपूतों को जो बेखौफ हैं, निडर हैं, और मुझे गर्व है इस बात का कि ऐसे शूरवीर की गाथा मैं आप तक पहुंचा पा रहा हूं अपने चैनल रॉयल सोल्जर के माध्यम से। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा, बताएगा ऐसे शूरवीरों के बारे में, ऐसे हीरोज को जनता पहचाने, और ऐसे लोगों के बारे में आगे और लोगों को भी बताए, वीडियो को शेयर करें। और मैं प्रार्थना करता हूँ भगवान से कि इस शूरवीर की आत्मा को भगवान शांति दें और इसके परिवार को इस दुख से लड़ने की शक्ति दे। यदि सैनिक स्कूल का कोई बच्चा मेरा वीडियो देख रहा है तो मुझे प्लीज़ कॉन्टैक्ट करें, कमेंट्स में अपनी डिटेल बताएं, मैं आपसे संपर्क करूंगा, अमित के बारे में कुछ और जानने की हम कोशिश करेंगे। अधिकतर देश के जवान, सैनिक स्कूल से जुड़े कैडेट्स, नेशनल कैडेट कोर के कैडेट्स इस वीडियो के साथ जुड़े हुए हैं, इस चैनल रॉयल सोल्जर के साथ जुड़े हुए हैं। शायद ऐसा कोई कैडेट होगा जिसने वीडियो अगर नहीं देखा, नहीं जानता तो शायद नहीं जुड़ा होगा। ज़्यादातर कैडेट जुड़े होते हैं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं अमित भी अपनी रॉयल सोल्जर परिवार का हिस्सा होगा, मुझे ऐसा लगता है। तो भाई इस वीडियो को शेयर करें और प्रार्थना करें कि शूरवीर की, हमारे इस कैडेट की आत्मा को भगवान शांति दें। और हेड्स ऑफ है इसके उस कारनामे को जो उसने किया 3 बच्चों की जान बचाने के लिए। जय हिंद, टेक केयर फॉर सेल्फ। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।